क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता चल नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

जिसमें कि ये बताया गया कि आरएनए जो है वो भी एक जेनेटिक है आरएनए इज आल्सो ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल तो आपको एक्सपेरिमेंट का नाम बतलाना है और रिलेटेड साइंटिस्ट कौन है और उससे जुड़े हुए वैज्ञानिक कौन है रिलेटेड साइंटिस्ट कौन है ये आपको

बैक्टीरियो फेग एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियो फेग एक्सपेरिमेंट में

और हां कमेंट में आंसर करना नहीं भूलना है आपको आंसर करना है बेट के चलिए तो हम अपनी परिकथा में हम आगे बढ़ते हैं हम अपनी जो स्टोरी सुन रहे हैं हम कि डीएनए कैसे काम करता है आरएनए क्या होता है तो अभी तक तो हमको ये मालूम चला कि बड़ी मजे की बात मालूम चली हमें कि डीएनए इज ए मॉलिक्यूल इज वेरी गुड मॉलिक्यूल टू तो स्टोर द इंफॉर्मेशन के सूचनाओं को यदि कहीं पर इकट्ठा करके रखना है कहीं पर संग्रहित करना है कहीं पर स्टोर करना है तो डीएनए इज द वेरी गुड मॉलिक्यूल लेकिन जब

पिछली क्लासेस में हम बात कर रहे थे कि डीएनए के टैम्पलेट पर डीएनए का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन हमें अच्छे से मालूम है कि डीएनए के टैम्पलेट के टेम्पलेट पर डीएनए का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन और इसके लिए हमने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन की बात की थी हमने कहा था कि जब भी कोई डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को रेप्लिकेट करेगा अपनी प्रतिकृति को तैयार करेगा तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे एंड दे विल वी हैव लाइक ए टेम्पलेट वो एक सांचे के समान व्यवहार करेंगे ठीक है उसके ऊपर एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए स्टैंड को जो है वो तैयार करेगा तो हमेशा एक जो डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन के पास जो डीएनए बनेगा उसमें एक पेरेंटल स्टैंड होगा और एक नया स्टैंड होगा इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव बोर्ड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसने बतलाया था वॉटसन एंड क्रिक ने किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया इसको मैसेलसन और स्टॉल ने किसने क्रोमोसोम पर इसको प्रूफ किया टेलर ने ठीक है ना बीसिया फेवा प्लांट पर क्लियर चलिए तो पिछली क्लास में हमने जो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीप्लेशन पर बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जो कि ये पूरी प्रोसेस जो होती है इसमें एक स्ट्रॉन्ग एंजाइमेटिक मशीनरी काम करती है बड़ी मजबूत और बड़ी फास्ट काम करने वाली एंजाइमेटिक मशीनरी काम करती है मैंने कहा था, था आपसे कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो एक फीचर फिल्म के समान है उसमें एक हीरो है और हीरो का नाम है डीएनए पॉलीमर्स लेकिन अकेले हीरो से फिल्म नहीं बन सकती है तो कुछ एडिशनल एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है, क्लियर तो हमने क्या कहा था हमने कहा था कि जो एंजाइम डीएनए को बनाता है डीएनए के टेम्पलेट पर नए डीएनए स्ट्रैंड को बनाता है बेसिकली वो क्या करता है बेसिकली वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करता है क्लियर देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूं आपको मैं बता रहा हूं आपको कि जब भी कभी एक डीएनए स्टैंड पर नया डीएनए बनता है तो वो नया डीएनए का बनने का मतलब है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन क्या आता है क्या किया जाता है बेटा न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन क्या आता है इसका मतलब ये कि नए डीएनए स्टैंड का बनना एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है मतलब यहां पर एंजाइम काम करेगा जब डी डीएनए पॉलीमर को बनाएगा वो डीएनए पॉलीमस अब डीएनए पॉलिमेस जो होता है वो डीएनए के टेम्पलेट को देखकर ही डीएनए बना सकता है इट डिपेंड्स अपॉन द डीएनए टेम्पलेट यानी डीएनए पॉलीमरेज जब तक डीएनए टेम्पलेट पर सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा वो डीएनए नहीं बना पाएगा मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन द डीएनए तो हम क्या बोलते हैं इसका पूरा नाम का इस पूरा पूरा इस एंजाइम का पूरा नाम क्या होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलिमरेज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज याद आया बेटा ठीक है लेकिन इस एंजाइम को काम करने के पहले आपको डीएनए हेलिक्स को खोलना पड़ेगा आपको मतलब यूनिट हेलिकेज आपको डीएनए हेलिक्स को अनबाइंड करना पड़ेगा आपके इसकी जो टॉर्क है जो उसमें एठन आगे इसको सुलझाना पड़ेगा यूनिट टोपो आइसोमरेज तो एक्चुअली में आपको अकेले डीएनए पॉलिमेट से काम नहीं बनेगा आपको एडिशनल एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी क्लियर फिर मैंने आपसे कहा था सुन लो पिछली क्लास का मैं जान बेटा रिवाइज कराओ ताकि चीजें एकदम दिमाग में सेट हो जाए कोई गलती मत करना कोई भी मेरा बच्चा एग्जाम में बायोलॉजी के क्वेश्चन गलत करके नहीं आए कोई भी कुछ आ यार पूरा बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं कोई क्वेश्चन गलत करके मत आना ठीक है थ्री सिक्सटी आउट ऑफ यस थ्री सिक्सटी ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे मैंने बेटा आपसे कहा कि जो है डीएनए एन एंजाइम जो होता है वो पॉलीमाइजेशन करता है न्यूक्लियोटाइड का ठीक है लेकिन अब इसका भी एक लिमिटेशन ये है जब भी ये जब भी डीएनए पॉलीमेस जब भी डीएनए पॉलीमेज जो है वो फाइव प्राइम से थ्री प्राइम डायरेक्शन में काम करेगा जब भी डीएनए पॉलीमेज फाइव प्राइम से थ्री प्राइम दिशा में आगे बढ़ेगा वो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा वो डीएनए को बनाएगा वो क्लियर तो अब ये जो डायरेक्शन होती है अब चूंकि क्या होता है डीएनए के जो दोनों टेम्परेट है वो ए वो क्या होते हैं वो वो एक दूसरे के एंटी होते हैं है ना अपोजिट होते हैं एंटी एंटीपरिटी होती है डीएनए का characteristic है कि डीएनए की दोनों स्टैंड एक दूसरे की एंटी एंटीपरल होती है हिंदी में बोलते हैं वीपर्याय होती है ठीक है एंटी एंटीपरल का मतलब ही होगा बेटा कि एक स्टैंड फाइव प्राइम में शुरू होगी तो थ्री प्राइम पे खत्म होगी दूसरी स्टैंड थ्री प्राइम पर शुरू होगी तो फाइव प्राइम पे खत्म होगी तो आप देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है ब्लू स्टैंड दिखाई पड़ रहा है एनसीआरटी का ही इमेज है कि एक स्टैंड 5 प्राइम पर शुरू हुआ है ठीक है खत्म हुआ 3 प्राइम पे आके दूसरा स्टैंड 3 प्राइम पर शुरू हुआ खत्म हुआ 5 प्राइम पे आके ठीक है क्लियर जब इसके ऊपर नया डीएनए स्टैंड बनेगा ये ये जो वाई शेप दिखाई पड़ रहा है ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है इसको क्या बोलते हैं बेटा है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं इसके लिए हम रेप्लिकेशन फोर्क वर्ड का यूज करते हैं ठीक है तो यहां पर जब डीएनए का नया स्टैंड बनेगा तो एक एक इस जगह पे क्या होगा अब जब भी कभी डीएनए पॉलिम एंटर करेगा सिस्टम में काम करने के लिए तो हमेशा सा आउटसाइड से इन साइड एंटर करेगा भाई एंजाइम को डीएनए में आपको बाहर से तो डालना पड़ेगा बाहर से तो काम करना वो शुरू करेगा तो यहां पर देखिए एक स्टैंड पे क्या हुआ डायरेक्शन उसको मिल गया फाइव प्राइम से थ्री प्राइम डायरेक्शन मिल गया यहां पर डीएनए लगातार बन जाएगा इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस सिंथेसिस बोलेंगे और इसे बोलेंगे हम लीडिंग स्टैंड इसको बोलेंगे हम लीडिंग स्टैंड ऐसा डीएनए स्टैंड जो पहले बन जाता है जो लगातार बन जाता है सही डायरेक्शन मिलने पर कंटिन्यूसली बन रहा होता है उसे लीडिंग स्टैंड कहते हैं आपके लेकिन दूसरे स्टैंड पर प्रॉब्लम हो गया प्रॉब्लम यह हो गया कि जो जो डीएनए पॉलीमाइज बाहर से अंदर आता है प्रॉब्लम यह हो गया कि यदि बाहर से अंदर गया तो डायरेक्शन मिलेगा थ्री प्राइम से फाइव प्राइम डायरेक्शन मिलेगा वैसे में डीएनए का पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा वैसे में डीएनए का पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा

अंदर से बाहर की ओर बनता है स्मॉल फ्रेगमेंट में बनता है और इन स्मॉल फ्रेगमेंट को हम ओका जाकी फ्रेगमेंट कहते हैं क्या बोलते हैं ओका जाकी फ्रेगमेंट कहते हैं जो लेगिंग स्टैंड पर देखने मिलते हैं बाद में इन फ्रेगमेंट को हम डीएनए लाइगेज से जोड़ देते हैं ठीक यहां पर तक हमने बात पिछली क्लास में की थी हमने ठीक है क्लियर फिर मैंने आपसे कहा था कि हम डीएनए डीएनएस को समझ गए हमने कहा कि भाई देखो ऐसा एंजाइम है ये जिसको सही दिशा में आप लेके गए प्राइम प्राइम से लेकर जाओगे तो डीएनए डीएनएसली बनेगा उल्टा लेके आओगे तो डीएनए नहीं बन पाएगा क्योंकि कट जाएगा क्योंकि वो डीएनए को जो एंजाइम होता है दिया आप थ्री प्राइम से फाइव प्राइम चलाएंगे उसको तो वो न्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करता है ठीक है ना तो इसलिए हमको डीएनए पॉलिमेस को हमेशा फाइव प्राइम से थ्री प्राइम पर लेकर जाना पड़ेगा जिससे कि नया डीएनए स्टैंड बन सके ठीक है ना क्लियर अब

कई सारे एंजाइम आपको दिखाई पड़ रहे हैं एक सिंगल नहीं दिस वन ऑफ देरी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के आप सोचिए ना एक कोलाई जो जो है जिसको अपना जो हर 20 मिनट में डिवाइड करता है इट डिवाइड्स इन एवरी 20 मिनट मिनट उसमें से 18 का समय कहां लगता है डीएनए के रेप्लीकेशन में लगता है तो इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के ठीक है तो जिसमें कि आप कई सारे एंजाइम सिस्टम इन्वॉल्व है आप देखिए इसमें आप देख रहे हो हेलीकेस प्राइमेस दिखाई पड़ रहा है जिनको हमने खट्टा प्राइमोसोम कहा हमने फिर देख रहे हैं आप यहाँ पे

के तो एक टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एमसीक्यू जो है मोस्ट ऑफ दी एमसीक्यू में ये जो टेबल है आपके ये काम आएगी बेटा के यानी कई सारे एमसीक्यू इस टेबल से आपके बन जाएंगे जो सिंपली पूछे गए के तो मैंने कहा एंजाइम डीएनए गाइरेस, इसको टोपो आइसोमरेज भी कहते हैं एक्चुअली इट इज टोपो आइसोमरेज सेकंड आगे बात करेंगे के

अब चुकी हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े किससे थे दे आर विद हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है इनमें तो दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन जाए तो उसके लिए सिंगल स्टैंड को स्टेबलाइज करता है कौन सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन इट होल्ड अनजिप्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अपार्ट फ्रॉ ड्यूरिंग डीएनए हेलिक्स एंड अनजिप स्टैंड ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता हुआ आगे बढ़ता है और डीएनए हेलिक्स को वो अनजिप करता है

तो एक काम करते हैं ये तो हमने टेबल जो है वो नोट किया हमने रेफरेंस के लिए ताकि लेकिन अब एक एक करके थोड़ा सा लेकिन जरूरी है बेटा आप देखोगे तो रेंज ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन इस चैप्टर से बड़ी संख्या में आता है इसलिए जो है हमको अपने को तैयार रखना कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए ठीक चलिए बात करते हैं हेलीकेस की हेलीकेस डीएनए हेलीकेस Are defined as a class of enzyme that catalyze the separation of. डुप्लेक्स न्यूक्लिक एसिड इंटू सिंगल स्टैंड मतलब ये है कि डीएनए डबल हेलिक्स को अलग अलग करने का काम करता है तो हेलिकेस वो का ग्रुप होता है जो वास्तव में डबल डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्टैंड को अलग अलग करता है ताकि कि वो टेम्पलेट के समान काम कर सके सांचे के समान काम कर सके और इस प्रोसेस में यह एटीपी कं कंज्यूम करता है याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था ना डीएनए डीएनएन जो होता है इट्स अ वेरी वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस के तो यहां पर एनर्जी जो है वो खर्च होती है एटीपी के फॉर्म में ठीक है

जो है वो ए का उपयोग करता है और इसका जरूरत पड़ता है रेप्लीकेशन के समय भी और ट्रांसक्रिप्शन के समय भी क्योंकि कारण ये कि चाहे रेप्लीकेशन कर लीजिए आप चाहे ट्रांसक्रिप्शन कर लीजिए रेप्लीकेशन में डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए बनेगा और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए बनेगा दोनों प्रोसेस में डीएनए को आपको सांचे के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा तो सांचे के रूप में या टेम्पलेट के रूप में डीएनए का यूज करने का मतलब है डीएनए के दोनों स्टैंड को अलग अलग करना ठीक है बेटा और वो काम कौन करता है वो हेलीकेस करता है में जो आप समझ गए बात को कि हम देख सकते हैं इस में कि का काम यह है कि डीएनए कि हेलिक्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट उनको हटा दो तोड़ दो उनको और डीएनए हेलिक्स को अलग अलग कर दो आप ठीक है देखिए मतलब ये अनजिप कर रहा है जैसे डीएनए से जिप होता है ना आप देखिए बिल्कुल कितना अच्छा एनोलॉजी है कि इसे आप देखेंगे जिप जिप होता है तो आप जिप को ओपन करने के लिए आप जो है वो जिप जो के में दोनों हिस्से ऐसे बाइंड होते हैं अलग अलग करना है तो अनजिप कर दी तो बिल्कुल वैसे ही अनजिप के समान हमको दिखाई पड़ रहा है, है वो डीएनए हेलिक्स के समान और ऐसा ही होता है एक्चुअली जब डीएनए का पूरी प्रोसेस एक साथ ऑपरेट हो रही होती है, नहीं होता है कि पहले खुलेगा फिर आवाज देंगे कि भैया आ जाओ पॉलीमरेज तुम कहां पर हो ऐसा नहीं होता है कि पूरा प्रोसेस एक साथ चले डीएनए का ओपन हो रहा है तो पीछे काम शुरू हो चुका है ताकि एज सुन एज पॉसिबल डीएनए को रेप्लीकेट हम कर सके ठीक है क्लियर और एक बार हमने कहा कि हेलिकेस डीएनए हेलिक्स को खोल रहा है और टोपो क्या काम कर रहा है अब टोपो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेटा क्योंकि तो टोपो जो होता है यदि वो ना हो ना तो ये डीएनए की जो हेलिक्स की प्रोसेस है वो रुक जाएगी कारण ये कि यह जैसे डीएनए हेलिक्स को खोलते हो अनबाइंड करते हो ना तो डीएनए चूंकि क्या होता है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है रस्सी के, के समान से रस्सी होती है ना ऐसे गुथी होती है तो बिल्कुल वैसे ही जो है होता है जब आप इसको अलग अलग करते हो तो क्या होता है ये आगे जाके इसमें गांठ पड़ जाती है

ये बात कर रहे हैं हम हेलीकेस कैसे काम करता है देखिए आप हेलीकेस जो है वो डबल स्टैंड में इंटर किया इसमें और बिल्कुल देखिए आप अंजिप करता हुआ आगे बढ़ रहा है जैसे जैसे हेलीकेस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ती 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 आगे वो एटीपी कंज्यूम कर रहा है दोनों देखो आप फाइनली आप इस इमेज में आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेंट को अलग अलग किसने किया दोनों स्टेंड को अलग अलग किया किसने हेलीकेस ने दोनों स्टेंट को जो है वो अलग अलग कर दिया अटके ठीक है एक बार इमेज को बेटा ध्यान से देखिए पूरी बात समझने के देखो रटना नहीं पड़ेगा हम इमेज को ध्यान से देखेंगे तो हमको रटना नहीं पड़ेगा ठीक है और मेरा कहना जो है वो पढ़ाने का पर्पज ही है बेटा कि आपको चीजें रटना ना पड़े चीजें आपको एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए जैसे लेक्चर खत्म होता है ना उसके बाद में हम ऐसी पोजीशन होना चाहिए कि हम एमसीक्यू कर लगा सके ठीक है

और एक बार हेल जो है दोज हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा और पीछे से डीएनए हेलिक्स जो है वो डीएनएड होगा तो आप क्या देख रहे हो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए और उनको स्टेबलाइज करने का सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन करता है ताकि दोनों स्ट्रैंड दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड ना, ना बना ले नहीं तो दोबारा बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड तो पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी ठीक है क्लियर तो आप देख रहे हैं कैसे जो है वो आगे बढ़ता देखिए आप है ना थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं टूटता हुआ उसको वो आगे बढ़ रहा होता है क्लियर ठीक है

तो हमको अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा हमको पुराने सारे जितने एग्जाम में ऑलरेडी एमसीक्यू पूछे गए वो सारे बनना चाहिए आपको यदि वो सारे बन रहे हैं, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक आपसे आने वाले एग्जाम के एमसीक्यू भी बनेंगे ठीक है चलिए

सही कह रहा हूं ठीक है ड्यूरिंग डिन एप्लीकेशन द प्रोग्रेस ऑफ द देशन फॉर्क जनरेट पॉजिटिव सुपर सुपरक्वाइल अहेड ऑफ द देशन मशीनरी एंड नेगेटिव सुपर सुपरक्वाइल बिहाइंड इट ठीक है आप इसका मतलब क्या इसका मतलब ये है वो कह रहा आपसे कि जैसे-जैसे आप जो है वो रेप्लिकेशन फोर्क को बनाते चलते हैं आगे डीएनए दिन, डीएनए रेप्लिकेशन में जैसे-जैसे आप रेप्लिकेशन फोर्क को बनाते चलते हैं वैसे-वैसे रेप्लिकेशन मशीनरी के आगे एक गांठ पड़ जाती है ठीक है जो पहले ना मशीन रेप्लिकेशन जहां से आप ओपन कर रहे हो डीएनए को वहां गांठ पड़ रही है उसे

ये ये देखो रस्सी के के समान है के, ला -ला आप देखिए दोनों हिस्से में अलग अलग खींच रहा हूँ दोनों शुरू इसको जो है वो एक्सप्लेन कर देखिए नॉर्मल डीएनए अब खोपन करते ओपन कर तो आगे जो गांठ पड़ रही है सुपर दिखे, दिखे, सुपर के, और देखो आप पीछे जहां खुलता जा रहा है उसके बाद

जब हम इसको ओपन करते हैं दोनों स्टैंड को आप इमेजिन जो उसके हाथों में वो सिंगल सिंगल स्टैंड देखो ये बाद में साइड के पीछे जो है ये क्या हो रहा है ये नेगेटिव सुपर कॉइल हो रहा है ठीक है देखिए ना एनिमेशन को सब्र से देखिए ध्यान देखिए ओपन कर रहे हैं ओपन कर रहे हैं आगे की तरफ देखो आप गांठ पड़ती चली जा रही है क्यों क्योंकि प्रेशर ग्रेट हो रहा है आगे के और इस प्रेशर को हटाना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा उलझ जाएगा वहीं भाई वहीं फंस के रह जाएगा वो हिस्सा आई बात समझ में ठीक है

तो हम क्या बोल रहे हैं मैंने आपसे कहा कि अंडरवाउंड फेवर्स द अनवाइंडिंग ऑफ डुप्लेक्स के तो अब देखिए सिंपल सी बात है एक बात है कि मैंने आपसे क्या कहा कि नेगेटिव सुपरकॉइल ट्विस्ट द डीएनए अबाउट इट्स एक्सेस अपने एक्सेस पर डीएनए को वो ट्विस्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करती है ठीक है फ्रॉम द क्लॉकवाइज टर्न ऑफ द राइट हैंडेड डबल हेलिक्स ठीक है क्लियर फिर पॉजिटिव सुपर क्वाइल की बात करें तो हमने क्या बोला कि ये डीएनए को जो है वो सेम डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जहां पे डीएनए को आप खोल रहे हो सेम डायरेक्शन में जो है वो डीएनए को जो है वो क्वाइल कर देता है तो देखा था आपने एनिमेशन में गोर से देखा था आपने देखिए गोर से ठीक है एनिमेशन को देखते हैं फिर से एक बार Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture.

It could the of the ke. Ab, ये इस प्रोसेस, तो प्रोसेस रुक जाएगा इस और ये है आगे, जो है वो रेपे की ओर खुल नहीं पाएगा वो ठीक है डूरिंग दिस प्रोसेस द डीएनए कैन बीट सुपर क्वाल unchecked, सच एंड एक्सटेंड दिन कुछ किया नहीं आपने उसको वैसे छोड़ दिया तो क्या होगा आगे प्रोटीन मशीनरी का काम रुक जाएगा डीएनए भी अपने आप को रेप्लीकेट नहीं कर पाएगा ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाएगा अब इस पूरी समस्या से निपटने के लिए नेचर में क्या बना टेड बाय दर्स्ट के विच मेक्स सिंगल स्टैंड के जो डीएनएन पड़ती है वहां पर एठन पढ़ते समय कट लगाया था के, कट लगाया था उससे क्या होता है कि वो वो जो एठन है, है वो रिलीज हो जाता है ठीक हैलिक्स रिलेक्स आता है तो हेलिक्स में गांठ नहीं पड़ पाती ठीक है देखो जब आप ओपन कर रहे हो ना तो आगे की तरफ टेंशन क्रिएट हो रहा उससे है उससे गांठ पड़ रही है यदि वहां पर कट लगा दोगे तो वो टेंशन रिलीज हो जाएगा तो आप गांध आगे गांठ नहीं ये वाला फोर्स आगे की ओर गांठ और आगे नहीं लगा पाए गांठ के तो इसका मतलब ये हुआ तो ज्यादा उलझते नहीं है सिंपल बात करते हैं कि डीएनए का सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने का काम होता है या टॉर्क को रिमूव करने का काम होता है टोपा समझ का तो टोपा समझ डीएनए की सुपर क्वाइलिंग को जो है वो रिलीफ करता है टॉर्क को रिलीफ करता है ठीक है देखिए है ना देखिए जब आप डीएनए हेलिक्स को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि रैपिड रोटेशन ऑफ डीएनए हेलिक्स नीडेड है तो यहाँ पे देखेंगे आप एक एक हिस्सा डीएनए का घूमने लगता है जब चूंकि खोलते जा रहे हैं आप आगे तो आगे का एक हिस्सा जो है वो फोर्स ट्रांसमिट होता है तो आगे का हिस्सा टाइट होने लगता है तो वहां पर हमको डीए को जरूरत पड़ती है टोपो आइसोरेंस की ताकि आप प्रेशर को रिलीज कर सके ठीक दो तरह के टोपो आइसोरेंस होते हैं एक होता है बेटा टोपो आइसोरेंस फर्स्ट होता है एक टोपो आस फर्स्ट होता है दूसरा

ठीक है देखिए ना इसने क्या किया उसको टॉर्क एठन को रिलीज किया उसने कट लगाया कट लगाने पर डीएनए का हेलिक्स घूम गया और एठन को उसने रिलीज कर दिया है ना ठीक है

कुछ पॉइंट दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से बट के अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए में कौन इन्वॉल्व है डीएनए स्टैंड डबल स्टैंड डीएनए स्टैंड की अनबाइंडिंग में हेलीकेस और गाइरेस एंजाइम इन्वॉल्व हैं और गाइरेस इज एक्चुअली थी टोपो आइसम सेकंड ठीक है कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं थेरेपेटिक कीमोथेरेप्टिक एजेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में भी करते हैं कई बीमारी जिनका इस्तेमाल जो है वो हम डिफरेंट जो है वो ऐसी बीमारियों में करते हैं जहाँ पे सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई कर रही होती है वहाँ पर हम इस बीमारी का स्पेशली कैंसर में हम इसका यूज़ करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं ये कीमोथेरेपेटिक एजेंट होते हैं तो टोपो आइसुब्रेज इन्वीटर का हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैंपेटोट कैंपेटोथेसिन जो होता है टोपो आइसम फर्स्ट इनिमीटर है और डॉक्सो रिबिसिन जो है टोपो आइस में सेकेंड इनिमीटर होता है ठीक है इसके अलावा जो जिससे जो एक है, बड़ी पॉपुलर एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सिन एक बड़ी पॉपुलर एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सिन के मार्केट में आपको ये सिप्लॉक्स फाइव हंड्रेड के नाम से मिलती है ठीक है सिप्रोफ्लॉक्सिन जो होता है वन ऑफ दी वेरी कॉमन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम जो है वुंड वफेक्शन में करते हैं बुखार में करते हैं घाव चाहे चोट आती वहां पर इसका यूज इस करते हैं ताकि बैक्ट्रा ग्रो ना करे तो ये जो एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सिन ये भी टोपो बैक्टेरा के अंदर बैक्टेरा के अंदर टोपो आइसोमेरेस जो सेकंड जो डीएनए एन गायरेज है उसको वो इनिमिट करती है मतलब टोपो आइसोमेरेस को इनिमिट कर आप जो है वो मेडिसिन के रूप में किसी सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं वेरी वेरी यूजफुल टू प्रिवेंट दैक्टेरियल इन्फेक्शन जैसे कि सेप्रोफ्लॉक्सिन की बात करते हैं ये टोपो आइसोम या डीएनए गाइरेस इनिवेटर होती है ठीक है क्लियर अब बात करते हैं सिंगल इंस्टेंट बाइंडिंग प्रोटीन पर बात करते हैं हम बेटा ठीक है

शन फॉर्क मतलब ये रेप्लिकन फॉर्क को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन बिकॉज दे मेंटेन द टेंट एक्टिविटी ऑफ द डीएनए दोनों स्टेंट दोबारा बन गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा वो तटके तो, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं जो डीएनए की टेंपलेट एक्टिविटी को बनाए रखते हैं ठीक है और ये प्रोटीन जनरली ट्रेक्ट्र होते हैं चार मॉलिक्यूल के सेट में ये पाए जाते हैं ठीक है देखिए आप ना दीज आर दी सिंगल स्टेंट बाइंडिंग उठ के तो डीएनए पॉलमेस काम करता है देखो यदि मान लो यदि मान लो यदि मान लो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन ना हो

तो कुल मिलाकर हमने हमने क्या देखा? हमने कहा कि जो आ, टोपवा, जो जो सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, वो ठीक है बेटा? देखिए, तो देखो आप कैसे ये जो है वो देख, आप देख रहे हो जो जो जिस डीएनए को जब पकड़ा हुआ ये क्या ये है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग दीज आर दी सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन ठीक है ना देख रहे आप टेम्परेट एक्टिविटी को डीएनए की बनाए रखते हैं वेरी वेरी आईएमपी ठीक है अब आते हैं प्राइमेस पे कि प्राइमेस क्या होता है प्राइमेस जो है बेटा एम्स के अंदर पूछा गया है रिसेंटली ठीक है

अब ये लेगिंग स्ट्रैंड क्या वर्ड है अभी बताया था मैंने आपको जिस डीएनए स्ट्रैंड पर जिस डीएनए के टेम्पलेट पर

जब भी नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा तो पहला हिस्सा उसका प्राइम 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 का, का यूज करेगा फिर से की ओर वो लगातार ग्रो करता हुआ चलेगा ठीक है के अंदर तीन प्रकार के डीएनए होते हैं याद डीएनएस वेरी वेरी के प्रोक्रेटिक के अंदर तीन प्रकार के डीएनए पॉलिमे होते हैं डीएनए पॉलिमेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वेरी वेरी एमपी डीएनए पॉलिमेस थर्ड इज मेन एंजाइन ये जो बता रहा हूं ना इस पे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ठीक है थर्ड इज दी मुख्य मुख्यम होता है अब फर्स्ट और सेकंड क्या काम करते हैं दे परफॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एडिटिंग ऑफ डीएनए डीएनए की एडिटिंग में भी ये रोल प्ले करते हैं ठीक है तो देखिए हम देख रहे हैं कि ये डीएनए एंजाइम को हम देख रहे हैं में में होता है। क्या करता है, ये? ये में जो है वो डी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉट के रूप में रिसीव करता है, उनके को दो होते है हाँ पे। उससे एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का ये इस्तेमाल करता है और न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है और जोड़ते हुए उसको जो है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में कन्वर्ट करता है उनको ठीक है क्लियर तो आप देखिए और सिंपल सी बात है कि ये जो एंजाइम है दोनों दिशाओं में काम कर है दोनों दिशाओं में काम कर सकता है जब ये जब ये एंजाइम जो है वो फाइव जब ये एंजाइम जो है वो फाइव प्राइम से थ्री प्राइम में काम करेगा डायरेक्शन में काम करेगा तो ये पॉलिमाइजेशन करेगा और जब ये थ्री प्राइम से फाइव प्राइम डायरेक्शन में काम करेगा तो ये एडिटिंग करेगा यदि तो उल्टी दिशा में काम किया तो ये एडिटिंग करेगा सही दिशा में काम करेगा तो ये पॉलीमाइजेशन करेगा ठीक है प्रोक्रेटिक डीएनए पॉलिमाइज फर्स्ट वॉज दिस फर्स्ट डिस्कवर्ड

डीएनए पॉलीमरेज़ फर्स्ट वाज़ दी फर्स्ट एन व्हिच वाज़ यूज इन इन है इनबिट्रोसिंग में टेस्ट में निर्माण करना तो हम देख रहे हैं ये है आर्थर कॉनवर्ग ठीक है बेटा अब देखो तीनों तरह तो के डीएनए पॉलिज में फर्क क्या होता है हम देख लेते हैं तो एक टेबल मान है ना पहले कॉलम में लिखा प्रॉपर्टी दूसरे कॉलम में लिखा डीएनए पॉलिमेस फर्स्ट तीसरे कॉलम में लिखा डीएनए पॉलिमेस सेकंड चौथे कॉलम में लिखा हमने डीएनए पॉलिमेस थर्ड के तो याद रखिए डीएनए प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं मॉलिकुलर वेट की बात कर रहे हैं डीएनए पॉलिमेस फर्स्ट का मॉलिकुलर वेट होता है एक लाख नौ हजार डॉल्टन डीएनए पॉलिमेस सेकंड का मॉलिकुल वेट होता है एक लाख बीस हजार डॉलटन

सेकेंड के फिफ्टी के आसपास मॉलिक्यूल और थर्ड के हमको पंद्रह हजार से हमको देखने हैं, मिलते हैं के याद रखिएगा तो मतलब मेन एंजाइम डीएनएज थर्ड हो गया, गया। फिर यदि एक्टिविटी so को देखें थ्री प्राइम डायरेक्शन में जाने पर यदि हम एक्टिविटी को देखें पॉलीमे एक्टिविटी को देखें तो वो तीनों एंजाइम में हमको देखने मिलती है थ्री प्राइम से फाइव प्राइम डायरेक्शन में चलने पर ये डीएनए को काट सकते हैं ये एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी को जो है कर सकते हैं तो ये कहां देखने मिलता है हमको ये देखने मिलता है तीनों एंजाइम में देखने चाह रहे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में एक्टिविटी होती है लेकिन एक बड़ी यूनिक बात है डीएनए पॉलीमर्स फर्स्ट में डीएनए पॉलीमर्स फर्स्ट में एक बड़ी यूनिक बात है जो किसी दूसरे एंजाइम में नहीं है सेकंड में नहीं है थर्ड में नहीं है वो ये है कि डीएनए पॉलीमर्स फर्स्ट एक ही डायरेक्शन में

फर्स्ट में होता है ठीक है फिर अब तीनों एंजाइम के फंक्शन क्या है तो डीएनए पॉलिवेज फर्स्ट का, का, का फंक्शन होता है प्रूफ रीडिंग करना यानी एक बार जो पूरा डीएनए बन गया उसको दोबारा पढ़ो तुम तो वो पढ़ता हुआ आगे बढ़ता है के? पढ़ता हुआ आगे बढ़ता है जहां गलती लगती है वहां पे कट करता है और नया बना हिस्सा बनाता बनाया तो ये प्रूफ रीडिंग करता है मतलब गलती को पकड़ने का काम करता है डीएनए डीएनएस फर्स्ट के डीएनए की रिपेयरिंग करता है सेकंड भी डीएनए की रिपेयरिंग में रोल प्ले करता है और सबसे फास्ट और मेन काम करता है वो डीएनए पलिवे थर्ड जो है वो मेन पोलिमाइजिंग एंजाइम होता है एक बार पूरा डीएनए बन गया उसको रीचेक करता है डीएनए सेकंड उसको रीचेक करता है उसकी एडिटिंग करता है उसको जो है वो प्रूफ रीडिंग करता है उसकी और सेकंड रिपेयरिंग में काम करता है ठीक है अब ये तो प्रोक्रिटिक की कहानी हो गई तीन तरह के होते हैं सेल में आपको कम से कम से याद रखिए चार से अधिक भी होते हैं सेल में आपको मोर देन फोर टाइप ऑफ डीएनए ऑफिमेज भी देखने मिलेंगे ठीक है लेकिन मिनिमम फोर टाइप के डीएनए डीएनएस आपको देखने यूक्रेटिक सेल में जरूर मिलते हैं एक होता है डीएनए पॉलिमेज अल्फा जो कि मैन एनजी में याद रखना है इसको जब पूछेगा ना तो गलती मत करना बेटा के यूक्रेटिक सेल में कम से कम चार प्रकार के डीएनए एंजाइम देखने मिलते हैं डीएनए पॉलिमेज अल्फा मेन एंजाइम होता है जो सबसे अधिक डीएनए को बनाता है फिर डीएनए पॉलिमेज बीटा डीएनए की रिपेयरिंग करता है

फ्रेगमेंट बनता है और उन फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ना पड़ता है तो एक गम की जरूरत है एक ऐसे एंजाइम की जरूरत है जो डीएनए फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ दे और वो एंजाइम होता है डीएनए लाइगेस्ट ठीक याद रखिएगा डीएनए लाइगेस्ट का इस्तेमाल हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट द टू एंजाइम दो एंजाइम के बगैर जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है

ये जो 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 फ्रेगमेंट है यहाँ पे जो जो सिंगल स्टैंड का जो गैप प्रेजेंट है उसको डीएनए लाइगेज जोड़ेगा और जोड़ के गैप को सील कर देगा तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट है उनको जोड़ने का काम कौन करता है वो डीएनए लाइगेज करता है क्लियर ठीक है चलिए तो यहां पर बात खत्म होती है कि वो कौन से एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी में इन्वॉल्व थे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैकेनिज्म की कि पूरा डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे तो अब हमारे पास जानकारी क्या क्या है हमारे पास जानकारी यही कि डीएनए रेप्लीस मशीनरी क्या होती है क्या एंजाइम सिस्टम होता है कौन सा एंजाइम क्या काम करता है ये भी हमको मालूम है अब हम पूरी जानकारी को जो है जोड़कर एक साथ अगले लेक्चर में बात करेंगे कि डीएनए का रेपेशन कैसे होता है ठीक है ना बेटा तो चलिए पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल दी बेस्ट हाई बिकमेन बायोमेंट्रिक्स ज्वाइन डब्ल्यू 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 डॉट बायोमेंट्रिक्स डॉट ऑनलाइन here you can solve daily practice papers an online test you can download performance enhancement sheets you can track your progress you can interact with other fellow commandos join us and prepare yourself It's a commando training for your success download by a mentor's online app from Google Play Store